नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव पर इंडियन आर्मी का पहला बयान सामने आया है। ईस्टर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं, झड़प का मसला लोकल लेवल पर सुलझा लिया गया है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ईस्टर्न कमांड के चीफ ने यह भी कहा कि तवांग में हुई हिंसा में दोनों पक्षों के जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं, किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। यू ऑल आर अवेयर दैट ऑल अक्रॉस द नॉर्दर्न बॉर्डर्स देयर आर डिफरिंग परसेप्शन ऑफ द लाइंस ऑफ एक्चुअल कंट्रोल and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। But I am happy to say that it was contained at the local level and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. तो एलएसी से पूर्वी चीफ का देखिए किस तरह से मैसेज आया। उन्होंने बताया कि फ्लैग मीटिंग दोनों देशों के बीच हुई है और स्थिति अंडर कंट्रोल है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हमारी सेना पूरी तरह से चौकस है, स्टैंड बाय मोड में फोर्सेस को रखा गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो ट्रक्स हैं, जो आर्मी के व्हीकल्स हैं, उन्हें भी पूरी तरह से तैयार रखा गया। और आपने देखा कल से लेकर और आज भी एक बार फिर से एयरफोर्स की जो प्रैक्टिस चल रही है उसको भी आपने देखा। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं एलएसी के इलाके की है, जहां पर इस वक्त स्टैंड बाय मोड पर फोर्सेस को रखा गया है। तवांग में झड़प पर सेना का पहला रिएक्शन सामने आया है और पूर्वी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल कालिता का ये बयान कि बॉर्डर एरिया में हालात अब ठीक हैं। अब देखिए तवांग मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष चर्चा के लिए कह रहा है और लोकसभा राज्यसभा में अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या स्थिति बनी हुई है दिखाते हैं आपको। कोशिश के शिकार होते हैं, उनकी कारीगरी का मिसाल राम मंदिर और हमारी संसद में भी है। माननीय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ, क्या सिलिकोइसिस के लिए सिकंदरा में स्पेशल कोई हॉस्पिटल या व्यवस्था की जाएगी। एक मैं आग्रह करूं कि मंडे से ऐसे सब सदन सहमत होगा, बहुत शॉर्ट में प्रश्न पूछे माननीय सदस्य और शॉर्ट में माननीय मंत्री उत्तर दे, बिल्कुल एकदम सबके क्वेश्चन की थोड़ा विस्तार तो देना पड़ेगा सर। क्वेश्चन की डिटेल आपने पढ़ रखी है पूरी, आंसर आपको आ चुका है। अब उसके अलावा मंत्री जी आंसर के अलावा आंसर देंगे आप। ये अलावा ही है सर। मंत्री महोदय को भी यही बोला है मैंने, केवल आपको नहीं बोला, पहले इधर उधर दोनों को साथ बोला है। आप थोड़ा इसको लगा लो मशीन को, मैंने दोनों को बोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा आपकी सलाह का हम सचमुच पालन करेंगे, शॉर्ट में रिप्लाई करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।